हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राइड श्रिम्प की एक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी जो बनाने में भी उतनी ही आसान है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ मृणालिनी और मैं आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 200 ग्राम ड्राइड श्रिम्प्स, इन्हें प्रॉन्स भी कहा जाता है, ड्राइड प्रॉन्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसे साफ कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। इसका सबसे पहले तो सर निकालना है हमें, उसके बाद मैं इसके पैर निकालूँगी और उसी के साथ इसकी पूंछ पर एक कांटा होता है उसे भी हमें निकाल लेना है। ये बड़े साइज़ की श्रिम्प है इसीलिए हमें इसे साफ़ करना ज़रूरी है, छोटी श्रिम्प को साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए इसी तरह से मैं सारे श्रिम्प को साफ़ कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया है, अब हमें इसे धोना है। तो इसके लिए मैं इस पॉट में ये सारे श्रिम्प निकाल लूँगी और उसमें मैं 2 ग्लासेस पानी डालूंगी। इसे हमें लगभग 20 मिनट के लिए सोक करके रखना है इसी पानी में ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं और श्रिम्प्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इन्हें हाथों से मसल मसल के धो लूँगी। मैं इसे 2 से 3 बार धोने वाली हूँ इसी तरह से। ऐसा करने से इन पर जो रेत लगी होती है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। ये देखिए आप पॉट में देख सकते हो काले कलर की रेत जमा हो चुकी है। इसी तरह से मैंने इसे 2 बार धो लिया है। ये देखिए हमारी श्रिम्प अब बनने के लिए तैयार है, कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है आप देख सकते हो। चलिए अब इसकी कुकिंग प्रोसेस चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूँगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें हमारी साफ़ की हुई श्रिम्प्स डाल दूंगी। श्रिम्प को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो। तो आप देख सकते हो मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा हींग और उसी के साथ 1/2 चम्मच नमक। अब इन्हें मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पर फ्राई करने वाली हूँ। किसी भी ड्राइड सी फूड को सबसे पहले हम तेल, नमक और हल्दी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसकी वजह से इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो भी चली जाती है और इसका टेस्ट और बढ़ता है। तो ये देखिए मैंने 2-3 मिनट इसे फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इन्हें निकालने के बाद इसी कढ़ाई में मैं इसका मसाला भी बनाऊंगी। अब मैं कढ़ाई में फिर से 2-3 चम्मच तेल डालूंगी। तेल आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, उसे मैं तेल में डाल दूंगी और इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। प्याज को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई करने वाली हूँ, इसे हमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश बनाया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें 2 मिनट फ्राई कर लेना है जब तक कि उसका कच्चापन चला नहीं जाता। 2-3 मिनट हो चुके हैं, प्याज के साथ अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बारीक कटा हुआ टोमेटो। मैंने 1 बड़े साइज़ का टोमेटो कट कर लिया है, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। टोमेटो को अब मैं 2 मिनट फ्राई करने वाली हूँ। हमें अदरक लहसुन प्याज और टोमेटो की ही ग्रेवी में ये रेसिपी बनानी है। अब टोमेटो गलने तक मैं इन्हें फ्राई करने वाली हूँ। अब मैं इसमें पाउडर मसाले डालूंगी, ये है कांदा लहसुन मसाला 2 चम्मच, उसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, ये है भुने हुए धनिए का पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। गरम मसाले की जगह पर आप चिकन मसाला या फिर मटन मसाला भी डाल सकते हो। अब इन पाउडर मसालों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
हो सके तो इस रेसिपी में कांदा लहसुन मसाला ज़रूर डालना, उसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया है और उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। कांदा लहसुन मसाले की वजह से इस रेसिपी को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऑनलाइन ईजिली कांदा लहसुन मसाला आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमारा मसाला लगभग तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ और इस ग्रेवी को हमें अच्छे से पका लेना है। ऐसा करने से ग्रेवी को गाढ़ापन भी आ जाता है और मसाले एक दूजे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। अब मैं इस कढ़ाई पर ढक्कन रखूँगी 2 मिनट के लिए और लो गैस फ्लेम पर इस मसाले को पका लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाले ने बहुत अच्छा तेल छोड़ दिया है और ये मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हमारी फ्राई की हुई श्रिम्स ऐड करूंगी। अगर आप ड्राई सी फूड खाते हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच नमक डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लूँगी। ये ड्राइड श्रिम्प मसाला आप भाकरी के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। अब देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमें बस इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालने वाली हूँ। इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। ड्राई सी फूड को अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं इस कढ़ाई को ढकने वाली हूँ, देख सकते हो इसमें उबाल आ चुकी है। अब मैं कढ़ाई को ढकूंगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर मैं पकाने वाली हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ड्राइड श्रिम्प मसाला रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसकी ये जो ग्रेवी है ये इतनी मैं रखने वाली हूँ क्योंकि अभी ये पतली लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो ये मैं रखने वाली हूँ। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ और बाद में मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज, हमारी ग्रेवी को बहुत अच्छा गाढ़ापन आ चुका है और ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत लाजवाब स्वाद होता है इसका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर चलिए फिर मिलेंगे अगले कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।